जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होप सो कि आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक्स तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हमने नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। एज यू नो दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बात करें तो कॉम्प्लेक्स और उनमें सेल्स जो से सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू का आपकी डेफिनेशन आपने बताया सिमिलर सेल सिमिलर एंड स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन और परफॉर्म और द सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो हम टिश्यू में हमने पढ़ेंगे एनिमल्स टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू अलग होते हैं, प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं अलग होते हैं। हर एक टिश्यू का क्या क्या होता है अपना अलग फंक्शन होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग सब कुछ होता है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले आप बात करते हैं एनिमल्स टिश्यू की, ठीक है, तो एनिमल्स टिश्यू की बेसिकली चार टाइप्स हैं। सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आ जाते हैं मसल्स टिश्यू एंड लास्ट वन में आ जाते हैं नर्वस टिश्यू। इनका ओवरव्यू दे रही हूँ। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द कैविटीज़ में होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, ऑर्गन्स की लाइनिंग वॉल में होते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो दो चीज़ों को आपस में लिंक करते हैं, जिस तरह के ब्लड के जो वेसल्स हैं उनमें क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मसल्स टिश्यू, मसल टिश्यू क्या होते हैं जो हमारे मसल्स में होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वो होते हैं जो हमारे नर्व्स में होते हैं, न्यूरोन सेल में होते हैं, नर्व सेल में होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी में कंट्रोल करते हैं। तो ये चार टाइप्स के टिश्यू हमने पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये कहां पे पाए जाते हैं, ये बॉडी कैविटीज में, आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं। आउटसाइड द बॉडी का मतलब है कि ये जैसे कि स्किन के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर क्या है सबसे पहले जो लेयर होती है वो किसकी होती है, एपिडर्मिस टिश्यू के। उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लाइंस ऑफ ऑर्गन में पाए जाते हैं, कैविटीज में पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ द कैविटीज ऑर्गन में। और कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स की लाइन में। ये क्या हो गए, ये एपिथेलियल का हो गया, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो एपिथेलियल का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन करना, सिक्रीशन करना, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके क्या होते हैं, एपिथेलियल के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद ये जो इसके अंदर सेल होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो क्या होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो नरिशमेंट लेने के लिए, अपनी नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एपिथेलियल कहाँ से मटेरियल लेते हैं, एपिथेलियल के बिल्कुल नीचे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो फॉर देयर ऑन नरिशमेंट, अपनी नरिशमेंट के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू से लेते हैं नरिशमेंट, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसकी मदद से एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू से क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा व्यू हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर, जैसे कि स्किन है, लाइनिंग ऑफ द कैविटीज़ होगी, स्टमक एक ऑर्गन है, उसके जो वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट इनका क्या है, फंक्शन है कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनके जो सेल होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं आपस में। और उसके बाद ये क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स नहीं होती, अपनी नरिशमेंट के लिए कहाँ से लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से, थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन मटीरियल लेते हैं, ठीक है। आगे डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड नंबर ऑफ सेल, टिश्यू सेल से मिलके बने हैं, तो नंबर ऑफ सेल की बेस पे और शेप की बेस पे, इन दो बुनियाद पे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू को 5 डिवाइड, बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ क्या है, 5 के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो जो 5 है उनमें से सबसे पहले जो कनेक्टिव टिश्यू की एपिथेलियल टिश्यू की टाइप आती है वो है सिक्वेमस एपिथेलियम।
डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द टिश्यू एंड द नंबर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ सेल और शेप की बेस पे क्या किया गया है, एपिथीलियल टिश्यू को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहले आती है सिक्विमस एपिथीलियम। सिक्विमस एपिथीलियम क्या है, ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होती है, सिंगल लेयर होती है, एक लेयर होती है, और सेल इसके क्या होते हैं, फ्लैट सेल होते हैं, बिल्कुल फ्लैट सेल होते हैं, कोई उनमें ऑब्लिक नहीं होती, कोई उनमें ऑब्जेक्शंस नहीं होती, कोई उनमें एक्सटेंशन नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट सेल होते हैं, जस्ट लाइक दिस। इस तरह ये क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्विमस एपिथीलियम। ठीक है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, अच्छा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में एंड लंग्स में। चूंकि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं एंड दे आर वाइडर देन देयर हाइट, वाइडर देन देयर हाइट, अपनी हाइट की बनिस्बत ये क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, और इनका यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, और इसमें क्या इन्होंने करना होता है, इनकी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसका मूवमेंट ऑफ मटीरियल, मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस इन्होंने क्या करनी होती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल करनी होती है। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर सिक्विमस एपिथीलियम। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। नेक्स्ट जो हमारे पास एपिथीलियम की टाइप आती है वो होती है क्यूबॉइडल। ठीक है, अब जो सिक्विमस एपिथीलियम था वो हो गया सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथीलियम में क्या होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम में भी सिंगल लेयर होती है, बट जो इनमें जो सेल होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, वो क्यूब शेप होते हैं, क्यूब शेप सेल होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, किडनीज में पाए जाते हैं ये, ठीक है, और इनका मेजर फंक्शन होता है सिक्रीशन करना। जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल होते हैं, ठीक है, स्मॉल ग्लैंड में, किडनीज में पाए जाते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन। जस्ट लाइक अगर मैं आपको इनकी डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये क्यूब शेप सेल है, तो ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। नेक्स्ट जो उसकी एपिथीलियम टिश्यू की टाइप है उसे हम कहते हैं कॉलोनियर एपिथीलियम। कॉलोमियर एपिथीलियम, अच्छा जो कॉलोमियर एपिथीलियम होते हैं ये इलोंगेटेड सेल होते हैं, क्या होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है, कॉलोमियर एपिथीलियम होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एलिमेंट्री ग्लैंड में पाए जाते हैं, और इनका भी मेजर फंक्शन होता है सिक्रीशन करना। एपिथीलियल की टिश्यू की टाइप है, सो एपिथीलियल टिश्यू का के डिफरेंट फंक्शन, सिक्रीशन भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, फिल्ट्रेशन भी करता है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो जो इसके आगे जो डिफरेंट टाइप्स है वो एक स्पेसिफिक हो जाती हैं कि वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एलिमेंट्री कनाल में पाया जाता है, एलिमेंट्री कनाल किसे कहते हैं, जितनी भी हमारी फूड ओरल कैविटी से लेके हमारे माउथ से लेके एनस तक जितनी भी है, ओरल कैविटी है, माउथ है, फिर उसके बाद आ जाता है इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस आ जाते हैं। तो ये सारी कनाल को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल कह देते हैं। और किस में पाया जाता है, ये गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, इलोंगेटेड सेल है, एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं, और क्या उसका नाम है, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। और इनका भी मेजर फंक्शन क्या होता है, सक्रीशन करना, यहाँ से सक्रीशन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प देते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं वो सीलिएटेड कॉलोमियर एपिथीलियम होते हैं। अच्छा सीलिएटेड कॉलोमियर एपिथीलियम क्या होते हैं, ये भी इलोंगेटेड सेल होते हैं बट विद सीलिया, इनके सेल के ऊपर क्या लगा होता है, सीलिया, जस्ट लाइक दिस। ये इलोंगेटेड सेल है, इनके ऊपर ये इस तरह का सीलिया लगा होता है, इलोंगेटेड सेल विद
सीलिया. अच्छा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं. ब्रोंकाई कहाँ पे होते हैं? ट्रेकिया जब डिवाइड होता है दोनों लेफ्ट एंड राइट लंग्स में, तो ट्रेकिया के आगे फर्दर डिवीजन होती है ब्रोंकाई में. ठीक है, ब्रोंकाई आगे फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होता है ब्रोंक्यूलस. तो ये ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं. और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रेकिया. ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, सांस की नाली में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लास्ट और लास्ट इसकी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं सिक्वेमस. लास्ट टाइप को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम एपिथेलियम की लास्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड ठीक है. ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम है. ये किस टाइप के सेल होते हैं? हैज मैनी लेयर्स ऑफ सेल. इन सेल के ऊपर क्या होती हैं? मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल होते हैं. जस्ट लाइक दिस, ये एक लेयर ऑफ सेल होगी, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ सेल होगी. इस तरह ये सेल क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते जाते हैं? चेन बनाते जाते हैं. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लाइनिंग ऑफ द इजोफेगस होते हैं, मतलब जो इगोफेगस की हमारी जो फूड पाइप है उसकी क्या होती है? लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं. और कहाँ पे प्रेजेंट है? माउथ में प्रेजेंट होते हैं. ऑल ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर, पूरे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, माउथ में होते हैं. और ये क्या करते हैं? इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? जो इनर माउथ का इनर पार्ट्स हैं, जो माउथ का अंदर इनसाइड द पार्ट होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. और क्या उसका नाम है? माउथ में प्रेजेंट होते हैं, इजोफेगस में प्रेजेंट होते हैं और ऑल ओवर द स्किन प्रेजेंट होते हैं. तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर एपिथीलियम टिश्यू. के एपिथीलियम टिश्यू क्या होते हैं? सबसे ऊपर वाला ये लेयर ऑफ टिश्यू होती है. ओके okay.